हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत एकेडमी। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की जो अभी रिसेंटली हैपन हुए, और उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्या कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इंपॉर्टेंट है, वो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और भगवंत मान वहाँ पे सीएम अपॉइंट हुए, तो सीएम की ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पंजाब में सीएम कौन बना, भगवंत मान। साथ ही साथ पार्टी कौन सी, जो पार्टी जो जीती वहां पे वो कौन है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी विक्टोरियस हुई, भगवंत मान सीएम बने और 177 विधानसभा सीटें वहां पे है, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली और सेकंड पार्टी जो बनी वहां पे वो बनी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अक्षेत्रीय पार्टी होने के साथ 2 राज्यों या उससे ज्यादा में जिसकी सरकार है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोवा की। अगर मैं बात करूं तो गोवा में फिर दोबारा से बीजेपी ने विक्ट्री हासिल की 40 सीटों की, विधानसभा सीटों की। राज्य में उन्होंने 20 सीटें हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रमोद सावंत दोबारा से, ये प्रमोद सावंत है हमारे, दोबारा से चीफ मिनिस्टर वहां के बने। कांग्रेस पार्टी यहां पे भी सेकंड नंबर पे रही, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रमोद सावंत दोबारा से सीएम बने यहां पे। और जो 40 सीटों में से 20 सीटें यहां पे बीजेपी को मिली और कांग्रेस जो है दूसरी नंबर की पार्टी बनी 11 सीटों से। इसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पुष्कर धामी जी दोबारा सीएम बने, भाजपा पार्टी वहां से जीती। टोटल सीट्स थी वहां पे 70, 70 में से भाजपा को मिली 47 सीट। 47 सीटों के साथ भाजपा नंबर वन पार्टी वहां पे रही और दूसरे नंबर पे कांग्रेस रही। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ अगर जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, यूपी के एग्जाम से पूछा जा सकता है, उत्तराखंड के एग्जाम से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में एससी के लिए कितने रिजर्व है, 30 सीट्स, और उत्तराखंड में एसटी के लिए कितने रिजर्व है, 2 सीट्स, 2 सीट्स वहां पे एसटी के लिए रिजर्व। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ। तो मणिपुर में भी बीजेपी की सत्ता रही फिर दोबारा से कायम और एन बीरेन सिंह दोबारा वहां के सीएम नियुक्त किए गए। साथ ही साथ एक दो पॉइंट जो बताना चाहूंगा वो कि एनपीपी जो पार्टी है वहां की लोकल पार्टी है, तो उसको वहां पे द्वितीय दूसरे स्थान पर वो रही, सेकेंड पार्टी का दर्जा उनको मिला। अब चलते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य की ओर, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। आप में से बहुत सारे लोग यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या हुआ कि जो 18वीं असेंबली इलेक्शन है, 18वीं असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुए उसमें जीत दर्ज की बीजेपी ने, और ये लगातार दूसरी बार बीजेपी ने जीत दर्ज की वहां पे, और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार कंटिन्यू करके मुख्यमंत्री बनकर, और साथ ही साथ 2 डिप्यूटी सीएम भी अपॉइंट किए गए, जिनमें से ब्रजेश पाठक 1 और केशव प्रसाद मौर्य 2। बीजेपी ने कितनी सीट हासिल की, 255 सीट, कितने में से, 403 विधानसभा सीटों में से 255 सीट अकेली बीजेपी को मिली। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टी बनी, दूसरे नंबर की पार्टी, जिन्होंने 111 सीटें वहां से जीती। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहा कि आज तक के इतिहास में एमएलए के इलेक्शन में साहिबाबाद से जो बीजेपी के विधायक आते हैं, माननीय सुनील कुमार शर्मा जी, उन्होंने 214,835 वोटों से रिकॉर्ड विक्ट्री हासिल की। साथ ही साथ अगर कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं तो 84 सीट यहाँ पे एससी के लिए रिजर्व है और 2 सीटें यहाँ पे एसटी के लिए रिजर्व है यूपी, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। तो तमाम इन फैक्ट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वेदांत एकेडमी के साथ, ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में या फिर इंटरेस्टिंग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप बने रहिए वेदांत एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच।